लेडी डॉक्टर की एक गाड़ी थी, बिल्कुल मेंटेन करके रखी हुई थी गाड़ी। मेरे पास सुजुकी कल्टस मौजूद है, VXR का वेरिएंट है, 2007 का मॉडल है। टोयोटा करोला एक्सएल लाई मौजूद है जो कि 2012 का, ये 800 मूव मौजूद है जो कि पास सुजुकी कल्टस मौजूद है जो कि 2010 का ये मॉडल। एक ये कोरे है, ये ब्लैक कलर में है, ये 2009 मॉडल है। होंडा सिविक मौजूद है जो कि 96 का ये मॉडल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम भाई खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ो अमान में होंगे। मैं हूँ नादर खान, आप देख रहे हैं NKS कराची मोटर्स। वेलकम बैक गाइस। तो भाई आज की वीडियो संडे कार बाजार पार्ट टू है। कोशिश करते हैं पार्ट टू में जो अच्छी से अच्छी गाड़ियाँ मिलती हैं आप तमाम भाइयों के लिए ऐड करते हैं। अगर आपकी कोई भी रिक्वेस्ट हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा, इंशाल्लाह आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम आप तमाम भाइयों की रिक्वेस्ट को लाजमी ऐड करेंगे। टाइम को ज़ाया नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास सुजुकी कल्टस मौजूद है, VXR का वेरिएंट है, 2007 का मॉडल है, EFI इंजन में है। इस गाड़ी का आप लोग फ्रंट से लुक देख लें जी, गाड़ी की लाइट्स बिल्कुल ठीक है, फ्रंट की इसकी ग्रिल बिल्कुल ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, और ये ब्लू कलर के अंदर गाड़ी है। अगर हम इसके साइड लुक की बात करते हैं, साइड से आप लोग गाड़ी को देख लें जी, टायरों की सबसे पहले हम बात करेंगे तो टायर इस गाड़ी के आप लोग देख लें, टायर आपको इसमें डलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टायर नए जैसे डले हुए हैं। साइड से आप लोग गाड़ी को देख लें जी, और बैक से भी आप लोग गाड़ी को देख लें जी, बैक की जो गाड़ी की लाइट्स हैं ये बिल्कुल ठीक है, कहीं से डैमेज वगैरह नहीं है। और इस तरह से भी गाड़ी को देख लें आप लोग। अच्छा दोस्तों, साइड है गाड़ी की, इसकी शावर हैं ठीक है जी, बोनट भी है, और ऊपर से गाड़ी जेन्युइन है। अंदर से भी आपको दिखा देता हूँ अंदर से गाड़ी कैसी है जनाब। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी की नीचे फुटबेरियों की, तो ये आप लोग फुटबेरियाँ इस गाड़ी की चेक करें जी, ये बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन में। इसके अगर हम पिलर्स की बात करते हैं तो ये पिलर भी आप लोग देख लें, पिलर भी इस गाड़ी के बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन में है। ये जनाब यहाँ जंग लगा हुआ है, कहीं से लगी वगैरह नहीं है ठीक है जी। अंदर से आप लोग गाड़ी को देख लें जी, सीटों पर सीट कवर नहीं चढ़े हुए, जो कंपनी फिट कपड़ा आता है वही चढ़ा हुआ है। डैशबोर्ड आप लोग देख लें, दरवाजे गाड़ी के साफ कंडीशन में, विंडो पावर्स गाड़ी के अंदर से हुए हुए हैं ठीक है जी, और मीटर गाड़ी के बिल्कुल ठीक है, पैनल यहाँ लगा हुआ है, मैनुअल गियर ट्रांसमिशन में गाड़ी है। गाड़ी के अगर हम छत की बात करते हैं तो छत भी आप लोग गाड़ी का देख लें, छत गाड़ी का बिल्कुल ठीक है जनाब, आप लोग देख सकते हैं। दरवाजे भी आप लोग गाड़ी के देख लें, दरवाज़ों की जो सीलें हैं ये गाड़ी की बिल्कुल ठीक है, और बैक से भी देख लें जी, बैक डोर की जो सीलें हैं ये आप लोग देख लें गाड़ी की, ये बिल्कुल ठीक है, और अंदर से आप लोग गाड़ी को देख लें जी, पिलर गाड़ी के बिल्कुल ठीक है। और दोस्तों डिक्की और इंजन रूम में आप लोगों को दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी के डिक्की की सीलों की, तो ये डिक्की की सीलें आप लोग गाड़ी की देख लें जी, डिक्की की सीलें गाड़ी की बिल्कुल ठीक है, इस तरफ से आप लोग देख लें जी, डिक्की की सीलें कहीं से डैमेज वगैरह नहीं है ठीक है जी। लता उठाते हैं और आप लोगों को मैं नीचे इसकी स्टपनी भी दिखा देता हूँ, वेट करें जी आप लोग, लता उठाते हैं। दोस्तों डिक्की देखें गाड़ी की बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ कंडीशन में है, स्टपनी मौजूद है, जैक पाना राड सब कुछ गाड़ी में पड़ा हुआ है। इंजन रूम में आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन रूम की, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को गाड़ी के कुप्पे दिखाता हूँ जी। इस कुप्पे आप लोग गाड़ी के देख लें, अपनी ओरिजिनल सीलों पर हैं, टिकली यहाँ पर गाड़ी में मौजूद है, लगी हुई है। दूसरा कुप्पा भी देख लें, गाड़ी का बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन में है। गाड़ी की जो मेन की पट्टी है जिसे कहते हैं जी हम लोग लॉक पट्टी है गाड़ी की, अभी तक जेन्युइन कंडीशन में है। अगर इसके हम बात करते हैं जनाब बोनट की सीलों की, तो इस गाड़ी की बोनट की जो सीलें हैं ये आप लोग देख लें जी, बोनट की सीलें भी गाड़ी की बिल्कुल पूरी हैं। इसके ऑनर से इसकी डिटेल्स हम ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं। अल्लाह का करम जी। कौन सा मॉडल है ये सर? 2007 मॉडल है। 2007 की सुजुकी कल्टस है, VXR है। VXR है। EFI अपने इंजन पे है? अपने इंजन पे, अपने ओरिजिनल इंजन के ऊपर है। इंजन सस्पेंशन कैसा है सर? जीरो। कितने ओनर है गाड़ी के? सेकंड ओनर। सेकंड ओनर कार है। टचअप क्या है गाड़ी में? टचअप में दो तीन पीस हैं साइडों पर। साइडों में टचअप? दोनों साइडों पर। ठीक हो गया। मुझे ये बताएं कि इसकी ओरिजिनल नंबर प्लेट कहाँ है? घर पे मौजूद है फाइल में। फाइल पेपर टैक्स क्लियर है? क्लियर का सौदा। AC ऑन है? ऑन है। क्या मुनासिब पैसे सर? गाड़ी पावर विंडो पावर स्टीयरिंग भी हुई है। पावर स्टीयरिंग हुआ हुआ है जी? पावर विंडो तो हुई हुई है, देख लीजिए, पावर स्टीयरिंग भी हुआ हुआ है। पावर स्टीयरिंग भी ठीक हो गया सर। क्या मुनासिब पैसे क्या है सर? इसकी डिमांड 1075 कर रहा हूँ, बाकी मुनासिब कर लूंगा। 1075 इसकी डिमांड कर रहे हैं, मुनासिब कर लेंगे। कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कीजिएगा। 0334-0334-9979-9791-184-184। क्या नाम है आपका? नुमान नाम है। दोस्तों नुमान भाई की गाड़ी है, आप ऐसे कोई भाई लेना चाहे आप नुमान साहब से रब्ता करके ये गाड़ी परचेज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर टोयोटा करोला एक्सएल लाई मौजूद है जो कि 2012 का ये मॉडल है। इस गाड़ी का आप लोग फ्रंट से लुक देख लें जी, गाड़ी की लाइट्स बिल्कुल ठीक है, फ्रंट की इसकी ग्रिल बिल्कुल ठीक है,
और नंबर प्लेट्स गाड़ी के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जेन्युइन लगी हुई है। नीचे बम्परों में गाड़ी में फॉग लाइट्स भी लगी हुई है। अगर हम इसके साइड लुक की बात करते हैं, साइड से आप लोग देख लें जी, टायरों की बात करते हैं, गाड़ी के टायर बहुत अच्छे डले हुए हैं। साइड से आप लोग गाड़ी को देख लें जी, और बैक से भी आप लोग गाड़ी को देख लें जी। बैक की जो गाड़ी की लाइट्स हैं ये बिल्कुल ठीक है, कहीं से डैमेज वगैरह नहीं है। नंबर प्लेट गाड़ी के अंदर दोनों ही जेन्युइन लगी हुई हैं। आप लोग इस तरफ से भी गाड़ी को देख लें, अच्छा दोस्तों मैं आप लोगों को बताता चलूं, इस गाड़ी के अंदर ना दो नीचे नीचे से टचअप हैं, ठीक है जी। बाकी गाड़ी पूरी जेन्युइन है, अंदर से भी आपको दिखाता हूं गाड़ी अंदर से कैसी है। जनाब यहां पर अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी के नीचे फुटबेरियों की, ये आप लोग देख लें जी, गाड़ी की फुटबेरियाँ बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन में है, आप लोग देख सकते हैं। पिलर्स की बात करते हैं तो ये पिलर भी आप लोग गाड़ी के देख लें, पिलर गाड़ी के बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन में। अंदर से आप लोग गाड़ी को देख लें जी, दरवाजे गाड़ी के बिल्कुल साफ़ कंडीशन में है। डैशबोर्ड आप लोग गाड़ी का देख लें, और मीटर भी गाड़ी के देख लें, बिल्कुल ठीक है। ऑनराइड पैनल लगा हुआ है, मैनुअल गेयर ट्रांसमिशन में गाड़ी है। गाड़ी की अगर छत की बात करते हैं, छत आप लोग गाड़ी का देख लें, बिल्कुल साफ़ कंडीशन में है। और अगर हम इसके दरवाज़ों की बात करते हैं, दरवाज़ों की जो सीलें हैं ये आप लोग देख लें, दरवाज़ों की सीलें गाड़ी की बिल्कुल पूरी हैं जी। आपको इसमें बैक से भी आप लोग गाड़ी को देख लें दोस्तों, बैक डोर की जो सीलें हैं ये आप लोग देख लें, और अंदर से गाड़ी को देखें जनाब, पिलर वगैरह गाड़ी के बिल्कुल ठीक हैं दोस्तों। अंदर से गाड़ी पूरी जेन्युइन है जनाब, डिक्की और इंजन रूम में आपको दिखा देता हूँ जनाब। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी के डिक्की की सीलों की, तो ये डिक्की की सीलें आप लोग गाड़ी की देख लें जी। डिक्की की जो सीलें हैं गाड़ी की ये बिल्कुल पूरी हैं, आप लोग देख सकते हैं। इस तरह से भी आप लोग गाड़ी को देख लें, और मैं आप लोगों को इस गाड़ी की जो डिक्की की सीलें हैं, स्टपनी मौजूद है यहाँ पर, आप लोग देख लें जी। जैक पाना राड सब कुछ पड़ा हुआ है, और इंजन रूम की तरफ चलते हैं, इंजन रूम में आप लोगों को इस गाड़ी का दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी के कुप्पों की सीलों की, आप लोग देख लें जी, कुप्पों की जो सीलें हैं ये गाड़ी की बिल्कुल ठीक है। गाड़ी की जो मेन की पट्टी है जिसे कहते हैं जी हम लोग लॉक पट्टी, ये गाड़ी की बिल्कुल ठीक है। और ये दूसरा कुप्पा भी गाड़ी का देख लें जनाब, बिल्कुल अपनी ओरिजिनल सीलों के ऊपर है। इंजन रूम गाड़ी का बिल्कुल साफ़ कंडीशन में है। इसकी अगर हम बात करते हैं बोनट की सीलों की, तो ये बोनट की सीलें भी आप लोग गाड़ी की देख लें, बोनट की सीलें गाड़ी की बिल्कुल पूरी हैं। इसके ओनर से इस गाड़ी की हम डिटेल्स ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कौन सा मॉडल है ये? ये 2012 का मॉडल, 2012 की टोयोटा XLi है। XLi है, कन्वर्ट GLi है। कन्वर्ट GLi है, अपने इंजन के ऊपर है? अपने इंजन। कितना चली हुई है सर गाड़ी? ये 76,000 चली हुई है। इंजन सस्पेंशन कैसा है? बिल्कुल ओके, अभी तक इंजन खुला भी नहीं है। एसी ऑन है? ऑन, ठीक हो गया। और मुझे सर ये बताएं कि गाड़ी में कोई टचअप वगैरह? कुछ भी नहीं है, बम्पर टू बम्पर की गारंटी होगी। नंबर पे जेन्युइन लगी हुई है? नंबर प्लेट जेन्युइन। फाइल पेपर टैक्स क्लियर है? क्लियर मिलेगा। क्या पैसे हैं गाड़ी के? गाड़ी के पैसे हम 25 डिमांड कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कमी पेशी होगी। थोड़ा बहुत कमी पेशी होगी। कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कीजिएगा, 03102902037। एक बार दोबारा जरा स्लो बताइएगा, 03102902037। क्या नाम है आपका? अमजद हुसैन जी। अमजद, दोस्तों अमजद भाई की गाड़ी है, आप में से कोई भाई लेना चाहे आप अमजद साहब से रابطہ करके गाड़ी परचेज कर सकते हैं। हाय हाय, कब से खड़े हैं कैमरे में आने के लिए? चलें जी, चलें चलें जनाब। यहां पर हमारे पास होंडा सिविक मौजूद है, जो कि 96 का ये मॉडल है। इस गाड़ी का आप लोग फ्रंट से लुक देख लें जी, गाड़ी की लाइट्स बिल्कुल ठीक है, फ्रंट की इसकी ग्रिल बिल्कुल ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं गाड़ी के साइड लुक की, साइड से भी आप लोग देख लें जी। टायरों की बात करते हैं तो जनाब गाड़ी के टायर बिल्कुल ठीक हैं, रिम्स गाड़ी के अंदर बिल्कुल न्यू डले हुए हैं, और रिम गाड़ी को बहुत अच्छी लुक दे रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं गोल्डन कलर में ये गाड़ी है, और बैक से भी आप लोग देख लें जी। बैक की जो इसकी डिक्की है ये ओपन है, इस टाइम खुली हुई है। बैक से आप लोग देख लें, लाइट्स गाड़ी की बिल्कुल ठीक हैं, कहीं से डैमेज वगैरह नहीं है। और इस तरह से भी गाड़ी को आप लोग देख लें जी, अच्छा जनाब मैं आप लोगों को बताता चलूं, ये गाड़ी बाहर से पूरी शावर है, अंदर से भी आपको दिखाता हूं गाड़ी अंदर से कैसी है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी के नीचे फुटबेरियों की, तो ये जनाब फुटबेरियाँ इस गाड़ी की चेक करें, बिल्कुल नीट एंड क्लीन जेन्युइन कंडीशन में है। अगर इसके हम पिलर्स की बात करते हैं, तो ये पिलर भी आप लोग इस गाड़ी के देख लें जी, पिलर भी इस गाड़ी के बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन में। सीटों पर सीट कवर्स गाड़ी में चढ़े हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और अगर इसके हम दरवाज़ों की बात करते हैं, दरवाजे गाड़ी के बिल्कुल ठीक है, डैशबोर्ड गाड़ी का बिल्कुल साफ़ कंडीशन में है। मीटर्स की बात करते हैं तो मीटर्स गाड़ी के देख लें जी, मीटर्स गाड़ी के बिल्कुल ठीक है। मैनुअल गेयर ट्रांसमिशन में गाड़ी है। गाड़ी के छत की अगर करें बात, छत आप लोग देख लें गाड़ी का,
बिल्कुल साफ कंडीशन में। दरवाज़े आप लोग देख लें जी, दरवाज़ों की जो सीलें हैं ये आप लोग देख लें, दरवाज़ों की सीलें गाड़ी की जनाब बिल्कुल ठीक हैं। और बैक से भी मैं आपको दिखा देता हूँ जी, बैक से भी आप लोग गाड़ी को देख लें, बैक डोर की जो सीलें हैं ये चेक करें जी, बैक डोर की सीलें गाड़ी की बिल्कुल पूरी हैं। और नीचे की जो फुटवेरियाँ हैं ना जनाब ये भी चेक करें, ये भी बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन में है, पिलर गाड़ी के जेन्युइन कंडीशन में है। अंदर से गाड़ी आप लोग देख सकते हैं अच्छी कंडीशन में जनाब गाड़ी है, अंदर से गाड़ी पूरी जेन्युइन है। डिक्की और इंजन रूम में आपको दिखा देता हूँ जनाब। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं गाड़ी के डिक्की की सीलों की, तो ये डिक्की की सीलें आप लोग देख लें जी, डिक्की की सीलें गाड़ी की बिल्कुल पूरी हैं। इस तरह से आप लोग गाड़ी को देख सकते हैं। और मैं आप लोगों को जनाब नीचे स्टपनी भी दिखा देता हूँ, ये भी आप लोग देख लें जी, डिक्की गाड़ी की देखें जी, बिल्कुल साफ़ कंडीशन में, रस्ट वगैरह गाड़ी में नहीं है, स्टपनी यहाँ मौजूद है। और इंजन रूम में आप लोगों को इस गाड़ी का दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन रूम की, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले इस गाड़ी के कुप्पे दिखाता हूँ जी। ये कुप्पे आप लोग देख लें, इस गाड़ी के कुप्पे बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैं, आप लोग देख सकते हैं। चेसिस नंबर गाड़ी का बिल्कुल साफ़ कंडीशन में है, कोई रस्ट वगैरह नहीं है। दूसरा कुप्पा भी गाड़ी का देख लें, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। गाड़ी की जो मेन की पट्टी है जिसे कहते हैं जी लॉक पट्टी, ये अभी तक जेन्युइन कंडीशन में है। बोनट की अगर हम सीलों की बात करते हैं, तो ये आप लोग देख लें जी, बोनट की सीलें भी गाड़ी की बिल्कुल पूरी हैं, आप लोग देख सकते हैं बोनट की सीलें जनाब अभी तक गाड़ी की बिल्कुल पूरी हैं। ये आप लोग इस तरह से भी देख लें जनाब, और इस तरह से भी देख लें। इस गाड़ी के जो ऑनर हैं इनसे हम डिटेल्स वगैरह इस गाड़ी की ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कौन सा मॉडल है ये? ये मॉडल 96 है। 96 का मॉडल है, इसके कितने ऑनर हैं? सर ये तकरीबन थर्ड फोर्थ ऑनर है गाड़ी। ठीक है, तीन चार ऑनर हैं जी। और इंजन चेंज है इसका? इंजन चेंज है, और इसका अपना ओरिजिनल ही डाला VTI का जो आता है, जो आता है बुक पे अपडेट है ये जी, बुक पे अपडेट है। और एसी वगैरह ऑन है? एसी ऑन है, इंजन, गेट, सस्पेंशन, एक्सल, टायर, मतलब कोई काम वगैरह गाड़ी के अंदर? अल्हम्दुलिल्लाह अभी कोई काम नहीं है गाड़ी में। और नंबर प्लेट इसकी जेन्युइन? नंबर जेन्युइन जो है ना फाइल में रखी हुई, गाड़ी में रखी हुई है। ठीक हो गया, फाइल वगैरह टैक्स वगैरह क्लियर है? CPLC टैक्स रिटर्न फाइल डॉक्यूमेंट्स तमाम कंप्लीट है। सर क्या मुनासिब पैसे हैं गाड़ी के? इसके सर डिमांड तो हमने रखी है इसकी 9.5 लाख रुपए, लेकिन ये कि कोई अगर जायज़ ऑफर आपके चैनल के से आएगा कमी पेशी हो जाएगी, करेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर सर शेयर कर दें। 0330-0330-2375-2375-708-708। क्या नाम है आपका? वकास नाम। दोस्तों वकास भाई की गाड़ी है, आप में से कोई भाई लेना चाहे आप वकास साहब से रब्ता करके ये गाड़ी परचेज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास Daihatsu MOV मौजूद है, जो कि 2014 मॉडल है, 2018 की रजिस्टर्ड गाड़ी है। इस गाड़ी का आप लोग फ्रंट से लुक देख लें जी, गाड़ी की लाइट्स बिल्कुल ठीक है, फ्रंट की इसकी ग्रिल बिल्कुल ठीक है। गाड़ी में जो टचअप होगा वो आपका भाई नादर खान आप तमाम भाई को बताएगा। अगर हम बात करते हैं गाड़ी के साइड लुक की, तो जनाब साइड से आप लोग गाड़ी को देख लें। टायरों की बात करते हैं जनाब, गाड़ी के टायर बिल्कुल ठीक है, आपको इसमें टायर डलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गाड़ी में जो टचअप होगा वो आपका भाई नादर खान आप तमाम भाई को बताएगा। बैक से भी आप लोग देख लें गाड़ी को, और इस तरफ से भी देख लें, पेट्रोल का टैंक खुला हुआ है, कहीं भाई इसमें भी CNG लगाई हुई, क्योंकि पाकिस्तानी लोग हैं इसमें भी LPG लगा सकते हैं। अच्छा जनाब मैं आप लोगों को बताता चलूँ, इसके अंदर जो है ना सिर्फ छत बचा हुआ है, छत जेन्युइन है, बाकी पूरी शावर है। अंदर से भी आपको मैं दिखा देता हूँ जनाब। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी की नीचे फुटबैरियों की, तो ये फुटबैरियाँ आप इस गाड़ी की देख लें जी, ये बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन के अंदर है। अगर इसके हम बात करते हैं जनाब पिलर की, तो ये पिलर भी आप लोग देख लें, पिलर गाड़ी के बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन में है। और अंदर से आप लोग गाड़ी को देख लें जी। दरवाज़ों की बात करते हैं, दरवाजे गाड़ी के बिल्कुल साफ़ कंडीशन में है। डैशबोर्ड आप लोग इस गाड़ी का देख लें जी, डैशबोर्ड गाड़ी का साफ़ कंडीशन में है। मीटर्स भी आप लोग गाड़ी के देख लें जी, और ऑटो गेयर ट्रांसमिशन में ये गाड़ी है। गाड़ी की अगर हम छत की बात करते हैं, छत आप लोग गाड़ी का देख लें जी, छत गाड़ी का बिल्कुल साफ़ कंडीशन में है। अगर हम बात करते हैं गाड़ी के दरवाज़ों की जो सीलें हैं, ये आप लोग देख लें जी, दरवाज़ों की सीलें गाड़ी की बिल्कुल ठीक हैं, कहीं से डैमेज वगैरह नहीं है। और बैक से भी आप लोग गाड़ी को देख लें, बैक डोर की जो सीलें हैं ये देखें जी, यहाँ रस्ट है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ठीक है जी, सीलें गाड़ी की ठीक है नीचे। और इस तरफ से भी गाड़ी को देखें आप लोग, पिलर बैक का बिल्कुल ठीक है गाड़ी का। अंदर से गाड़ी को देख लें, अंदर से गाड़ी बिल्कुल ठीक है। डिक्की और इंजन रूम में आपको दिखा देता हूँ जनाब। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं गाड़ी के डिक्की की सीलों की, ये डिक्की की सीलें देख लें जी, डिक्की की सीलें गाड़ी की बिल्कुल पूरी हैं, आप लोग देख सकते हैं। और बैक से भी आप लोगों को मैं गत्ता उठा के दिखा देता हूँ जी, वेट करें, नीचे देख लें आप लोग गाड़ी को। ठीक है जी, और इंजन रूम की तरफ चलते हैं, इंजन रूम में आपको इस गाड़ी का दिखा देता हूँ जनाब। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन रूम की, तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं इस गाड़ी के कुप्पे जनाब। ये कुप्पे आप लोग नीचे से देख लें, कुप्पे इस गाड़ी के बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है जी, मेन की पट्टी जिसे कहते हैं लॉक पट्टी, ये होती है मेन की पट्टी, जो आप लोग कहते हैं नादर भाई कौन सी मेन पट्टी होती है। ये कुप्पे आप लोग देख लिया करें,
गाड़ी की सीलें जो है ना बनी हुई ना हो, ठीक है जी। और बोनट की सीलें भी आप लोग देख लें गाड़ी की, ठीक है। यहाँ से थोड़ी सी ये है खराब, आप लोगों को नज़र आ रही होगी, ठीक है जी। इतना बहुत चल जाता है, कोई मसला नहीं है, लगी हुई नहीं होनी चाहिए। इसके ऑनर से इसकी डिटेल्स हम ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सर कौन सा मॉडल है ये है 14 का मॉडल है, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन 18 की है। 2800 मूव है ये जी, 2800 मूव है। 2014 मॉडल है, 18 की रजिस्टर्ड है। इंजन अपना है? इंजन चेंज कराया है। इंजन चेंज है, बुक पे अपडेट है? अपडेट हो जाएगा इंशाल्लाह। कितने ओनर हैं गाड़ी के? ये फर्स्ट ओनर है। फर्स्ट ओनर कार है, ठीक हो गया। इंजन सस्पेंशन कैसा है? सब बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। फायर से शावर है गाड़ी? टचअप है। टचअप है, टचअप, ठीक हो गया। इसकी ओरिजिनल नंबर प्लेट सब है? सब पड़ी हुई है, फाइल वगैरह, टैक्स वगैरह क्लियर है? सब क्लियर, सब क्लियर। और क्या एवरेज क्या देती है? काफी सारे दोस्त पूछते हैं, ये इसका एवरेज बहुत अच्छा होता है, तकरीबन 20 देती है। 20 देती है, बहुत बड़ा सर्विस है। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या पैसे मांग रहे हैं, मुनासिब पैसे क्या मांग रहे हैं? ये मैं मांग रहा हूँ 1850। 1850 डिमांड कर रहे हैं? जी जी, ठीक हो गया। कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कीजिएगा। 0300 8989 1919 0002 0002। क्या नाम है आपका? कामरान। दोस्तों कामरान भाई की गाड़ी है, आप में से कोई भाई लेना चाहे आप कामरान साहब से रब्ता करके गाड़ी परचेज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मेरे पास सुजुकी कल्टस मौजूद है, जो कि 2010 का ये मॉडल है। गन मेटेलिक कलर में गाड़ी है। इस गाड़ी का आप लोग फ्रंट से लुक देख लें जी। गाड़ी की लाइट्स बिल्कुल ठीक है, फ्रंट की ग्रिल बिल्कुल ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। गाड़ी में जो टचअप होगा वो आपका भाई नादर खान आप तमाम भाई को बताएगा जी। अगर हम बात करते हैं गाड़ी के साइड लुक की, साइड से आप लोग गाड़ी को देख लें जी। टायरों की बात करते हैं जनाब, टायर गाड़ी के बिल्कुल ठीक है, आपको इसमें टायर डलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरफ से आप लोग गाड़ी को देख लें। और अगर हम बात करते हैं गाड़ी के बैक लाइट्स की, बैक की जो गाड़ी की लाइट्स है ये आप लोग देख लें, गाड़ी की बैक की लाइट्स बिल्कुल ठीक है, कहीं से डैमेज वगैरह नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। सर एक मिनट बंद करेंगे आप प्लीज़, एक मिनट सिर्फ। और इस तरह से भी जनाब गाड़ी को आप लोग देख लें, और दोस्तों मैं आप लोगों को इस गाड़ी के बारे में बताता चलूँ, ये बाहर से पूरी शावर है, बाहर से शावर है, मैं अंदर से भी आपको दिखाता हूँ अंदर से गाड़ी कैसी है। जनाब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी की नीचे फुटबेरियों की, तो ये फुटबेरियाँ आप लोग इस गाड़ी की देख लें जी। फुटबेरियाँ इस गाड़ी की जेन्युइन कंडीशन में है। अगर हम इसके पिलर्स की बात करते हैं, ये पिलर आप लोग गाड़ी के देख लें जी, पिलर गाड़ी के बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन में है। सीटों पर जो सीट कवर हैं वही चढ़े हुए हैं, जो कंपनी फिटेड कपड़ा इसमें चढ़ा हुआ आता है वही लगा हुआ है। दरवाजे आप लोग देख सकते हैं। इसके अगर हम डैशबोर्ड की बात करते हैं, तो डैशबोर्ड गाड़ी का बिल्कुल साफ कंडीशन में है। और मीटर्स की बात करते हैं, तो मीटर्स गाड़ी के देख लें जी, 64,000 किलोमीटर यहाँ इसकी माइलेज शो कर रही है। मैनुअल गियर ट्रांसमिशन में ये गाड़ी है। गाड़ी की अगर हम छत की बात करते हैं, तो छत आप लोग इस गाड़ी का देख लें जी, छत गाड़ी का बिल्कुल साफ कंडीशन में है। दरवाजे आप लोग देख लें जी, दरवाज़ों की जो सीलें हैं ये आप लोग देख लें जी, और दरवाज़ों की सीलें ठीक है। डिक्की यहाँ से हम इसकी ओपन कर लेते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को इस गाड़ी की हम डिक्की भी दिखाएँगे। बैक से आप लोग गाड़ी को देख लें, बैक डोर की जो सीलें हैं ये गाड़ी की बिल्कुल ठीक हैं, आप लोग देख सकते हैं। और अंदर से भी देख लें जनाब। दोस्तों कोशिश होती है कि जो चीज़ें हो मैं आप लोगों को वाजिया करके बताऊं, और आप भी कोशिश किया करें, भाई को सपोर्ट किया करें, वीडियो को एक लाइक कर दिया करें, लाइक के कोई पैसे वगैरह नहीं लगते। तो जिन भाइयों ने अभी तक नहीं किया लाइक, तो इसको लाइक कर दें। और मैं आप लोगों को डिक्की की जो सीलें हैं ये आप लोग देख लें जी, यहाँ पर ही आप लोग देख सकते हैं डिक्की इसकी थोड़ी गल रही है, आप लोगों को नज़र आ रही होगी, ठीक है जी। और सीलें बाकी आप लोग इस गाड़ी की देख लें, डिक्की बहुत गर्म हो रही है जनाब, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। और ये देख रहे हैं कि ये खड़ा नहीं हो रहा, यहाँ पर इसका शाख जो है ना ख़त्म है। वेट करें, मैं आप लोगों को इसको दिखाता हूँ, कंधे पर रख लूँ इसको मैं। तो जनाब ये गाड़ी की डिक्की है, आप लोग देख लें, और इंजन रूम में आप लोगों को दिखा देता हूँ। जनाब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन रूम की, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को गाड़ी के कुप्पे दिखाता हूँ। ये कुप्पे आप लोग देख लें, इस गाड़ी के कुप्पे बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन में है, टिकली यहाँ पर मौजूद है, लगी हुई है। दूसरा कुप्पा भी गाड़ी का देख लें, बिल्कुल अपनी ओरिजिनल सीनों पर है। गाड़ी की जो मेन की पट्टी है, जिसे कहते हैं जी लॉक पट्टी, ये गाड़ी की बिल्कुल ठीक है। ड्राई बैटरी यहाँ लगी हुई है, और बोनट की जो सीलें हैं ये भी आप लोग देख लें, गाड़ी की बोनट की सीलें जो है ये जनाब ठीक हैं, आप लोग इस तरह से भी देख सकते हैं। और इसके ऑनर से इसकी डिटेल्स हम ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कौन सा मॉडल है ये? बस ये 2010 मॉडल है। 2010 की सुजुकी कल्टस है, VXR है जी। कितने ओनर है गाड़ी? ये थर्ड ओनर है। थर्ड ओनर गाड़ी है, अपने इंजन पे है? अपने इंजन पे। एसी वर्किंग में है? एसी वगैरह सब वर्किंग में। इंजन सस्पेंशन कैसा है गाड़ी? इंजन भी 80% है, इंजन ओके है गाड़ी का, 100 तक होगा नहीं, 80% गाड़ी का इंजन है, बेहतरीन इंजन है, सस्पेंशन गाड़ी का
बिल्कुल ओके, कोई काम कोई चीज कोई ऐसा काम अभी कोई कराने की जरूरत नहीं है। इसकी ओरिजिनल नंबर प्लेट भी चेंज करा है। अच्छा अच्छा जी, ओरिजिनल नंबर प्लेट, ओरिजिनल नंबर प्लेट भी अवेलेबल है बॉस। फाइल टैक्स क्लियर है, हर चीज क्लियर है, फाइल नंबर प्लेट सीपीएलसी टैक्स सब। बाहर से पूरी शावर है जी? बाहर से पूरी शावर है, बस वो भी स्क्रैच की वजह से कराई थी, बाकी गाड़ी पूरी जेन्युइन हालत में थी। सर पैसे क्या डिमांड क्या कर रहे हैं? बॉस की 1150 डिमांड कर रहे हैं। 1150 डिमांड कर रहे हैं, 2010 मॉडल है जी सर। कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कीजिएगा 0032 0332 3174 3174 1113 1113। क्या नाम है आपका? अरबाब। दोस्तों अरबाब साहब की गाड़ी है, आप में से कोई भाई लेना चाहे आप अरबाब भाई से रब्ता करके ये गाड़ी परचेज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मेरे पास एक 850 कोरे है जनाब, मैं गाड़ी में बैठा हुआ था और ये अचानक से मुझे गाड़ी नजर आई तो मैंने कहा आप लोगों के लिए मैं इसको ऐड कर देता हूँ। इस गाड़ी को देखें, ये 2008 की 850 कोरे है, इसका कलर फेड हो चुका है, ठीक है जी। फ्रंट आप इस गाड़ी का देख लें जी, गाड़ी की लाइट्स बिल्कुल ठीक है, फ्रंट की इसकी ग्रिल बिल्कुल ठीक है। और अगर हम बात करते हैं गाड़ी के साइड लुक की, साइड से भी आप लोग गाड़ी को देख लें, ठीक है जी। और बैक से भी देख लें, गाड़ी की जो लाइट्स वगैरह हैं ये बिल्कुल ठीक हैं, कहीं से डैमेज वगैरह नहीं है। नंबर प्लेट गाड़ी के अंदर दोनों ही जेन्युइन लगी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। और इस तरफ से भी गाड़ी को देख लें जी। अच्छा दोस्तों मैं आप लोगों को बताता चलूं, ये गाड़ी पूरी जेन्युइन है, इसमें कोई टचअप वगैरह नहीं है। बोनट का कलर फेड है और छत का भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कलर फेड है, अंदर से भी आपको दिखा देता हूँ। अच्छा दोस्तों यहाँ पर अगर हम इसकी फुटबेरियों की बात करते हैं तो ये गाड़ी की आप लोग फुटबेरियाँ देखें जी, फुटबेरियाँ इस गाड़ी की बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन में हैं। पिलर्स की बात करते हैं तो ये पिलर भी इस गाड़ी के बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन में है, सीटों पर सीट कवर चढ़े हुए हैं, ऑटो गेयर ट्रांसमिशन में ये गाड़ी है। गाड़ी की अगर हम डैशबोर्ड की बात करते हैं तो डैशबोर्ड भी आप लोग गाड़ी का देख लें, डैशबोर्ड गाड़ी का बिल्कुल साफ़ कंडीशन में है, आप लोग देख सकते हैं। और छत आप लोग गाड़ी का देख लें जी, छत गाड़ी का बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। और ये आप लोग देखें जी सीलिंग गाड़ी की, अच्छा ये ऑटोमेटिक है, ठीक है जी, मैनुअल नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिक वाले मेरे काफ़ी सारे भाई थे, कह रहे थे कि नादर भाई कोई ऑटो गाड़ी ऐड कर दें, तो भाई ये ऑटो गाड़ी है, ठीक है जी। देखिए अंदर से भी गाड़ी को कूलर वगैरह अंकल लेके आए हुए हैं, ठीक है जी। और डिक्की और इंजन रूम दिखा देता हूँ जनाब। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी के डिक्की की सीलों की, तो ये डिक्की की सीलें भी देख लें जी, डिक्की की सीलें जो है ना इस गाड़ी की बिल्कुल पूरी हैं, आप लोग देख सकते हैं, कोई सील कहीं से डैमेज वगैरह नहीं है, ठीक है जी। और अंदर से भी मैं आपको दिखाता हूँ जी, अंदर से डिक्की गाड़ी की देख लें, डिक्की गाड़ी की बिल्कुल साफ़ कंडीशन में है, जैक पाना राड मौजूद है। इंजन रूम में आपको दिखा देता हूँ जनाब, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन रूम की, तो सबसे पहले आप लोग इसके कुप्पे देख लें जी, कुप्पे इस गाड़ी के बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ कंडीशन में है, टिकलियाँ मौजूद है। दूसरा कुप्पा भी देख लें, गाड़ी का बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन में है। गाड़ी की जो मेन की पट्टी है जिसे कहते हैं जी लॉक पट्टी, ये अभी तक जेन्युइन कंडीशन में अपने कलर के ऊपर है। ये बोनट की सीलें भी आप लोग देख लें जी, बोनट की सीलें भी इस गाड़ी की बिल्कुल पूरी हैं। इसके ऑनर से इसकी डिटेल्स हम ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कौन सा मॉडल है ये? ये 2008 2008 का मॉडल है। इसके कितने ओनर हैं? ये थर्ड ओनर है। थर्ड ओनर गाड़ी है और अपने इंजन के ऊपर है जी, अपने इंजन पे और अपना गियर है, ऑटो ओरिजिनल ऑटो है, ये जेन्युइन ऑटो है जी, ठीक हो गया। एसी ऑन है जी? एसी चिल्ड एसी है, चिल्ड एसी है। गाड़ी में कोई टचअप वगैरह नहीं? एक पीस भी टचअप नहीं है, बल्कि बम्पर टू बम्पर है, बम्पर भी इसके अभी तक ओरिजिनल है, पूरी जेन्युइन गाड़ी है, ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएगा कि फाइल पेपर टैक्स क्लियर है? ऑल डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, गारंटी है उसकी। आप अपने डेंटर को पेंटर को सबको गाड़ी चेक कराएं, चारों टायर नए इंस्टॉल हैं। लेडी डॉक्टर की गाड़ी थी, बिल्कुल मेंटेन करके रखी हुई थी गाड़ी। अच्छा, 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 अच्छा। स्मूथ ड्राइविंग है, कोई गियर में झटका नहीं है, माशाल्लाह बहुत प्यारी है चलने में ये। सर क्या पैसे क्या इस गाड़ी इसके? 12,40,000 रुपये डिमांड है, ठीक है। कम अगर हो जाएगी। आपकी तरफ से कोई आएंगे तो इंशाल्लाह उसके सारे कॉन्टैक्ट नंबर अपना शेयर कर दें 0321253587। क्या नाम है आपका? हुज़ैफ़ा। दोस्तों हुज़ैफ़ा भाई की गाड़ी है, आप में से कोई भाई लेना चाहे आप हुज़ैफ़ा भाई से रब्ता करके गाड़ी परचेज कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों एक तो वो गोल्डन 850 कोरे थी, ठीक है जी, एक ये कोरे है, ये ब्लैक कलर में है, ये 2009 मॉडल है। इस गाड़ी का आप लोग फ्रंट से लुक देख लें, लाइट्स गाड़ी की ठीक है, फ्रंट की इसकी ग्रिल बिल्कुल ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। और इसके साइड लुक की बात करते हैं तो साइड से देख लें, टायर गाड़ी के बिल्कुल ठीक है, रिम इस गाड़ी में लगे हुए हैं। और मैं आप लोगों को टचअप बताऊंगा जनाब, इस गाड़ी में अगर टचअप हुआ तो स्क्रैच वगैरह निशान वगैरह हैं इस गाड़ी के ऊपर, आप लोग देख सकते हैं। बैक से भी देख लें गाड़ी को, बड़ी बात है यार, इस गाड़ी में टचअप ही नहीं है, क्या बात है। दोस्तों ये भी गाड़ी पूरी जेन्युइन है, इसमें कोई टचअप वगैरह नहीं है, ठीक है जी। और ये भी पूरी गाड़ी जेन्युइन है, मैं अंदर से भी आपको दिखा देता हूँ।
जनाब यहाँ पर जो गाड़ी की नीचे फुटबेरियाँ हैं ये आप लोग देख लें, फुटबेरियाँ इस गाड़ी की ये जेन्युइन कंडीशन में है। पिलर भी आप लोग देख लें, गाड़ी के पिलर भी इस गाड़ी के बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन में है। सीटों पर सीट कवर नहीं चढ़े हुए, कंपनी फिटेड जो इसमें कपड़ा लगा हुआ आता है वही लगा हुआ है। दरवाजे ठीक हैं, डैशबोर्ड आप लोग इस गाड़ी का देख लें, डैशबोर्ड गाड़ी का साफ कंडीशन में है। मीटर्स आप लोग गाड़ी का देख लें जी, 72,000 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है, ऑटो गेयर ट्रांसमिशन में गाड़ी है। गाड़ी के छत की अगर करते हैं बात तो छत भी आप लोग देख लें, छत गाड़ी का साफ कंडीशन में है। दिखाएंगे जी डिक्की भी आपको इंशाल्लाह हम, दरवाज़ों की सीलें जो है ये आप लोग देख लें, बैक से भी देख लें जी गाड़ी को आप लोग। ये दोनों गाड़ियां एक ही ओनर की हैं जनाब, ठीक है जी। अंदर से आप लोग देख लें गाड़ी को, और डिक्की भी मैं आप तमाम भाइयों को दिखा देता हूँ जी। रात का टाइम है और क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट होता है, आप लोगों के वीडियो एडिट भी करवानी होती है। देखें जी सीलें वगैरह ठीक हैं गाड़ी की, और अंदर से भी आप लोग देख लें गाड़ी को। वेट करें जी, कत्ता उठा के आपको दिखाता हूँ। डिक्की बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ कंडीशन में है। इंजन रूम में आपको दिखा देता हूँ। और जनाब अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी की, हम यहाँ पर इंजन रूम की, तो कुप्पे आप लोग देखें जी, कुप्पे इस गाड़ी के बिल्कुल साफ़ कंडीशन में, टिकली मौजूद है लगी हुई है। दूसरा कुप्पा भी देख लें, गाड़ी बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ़ कंडीशन में है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है जी। मेन की पट्टी बिल्कुल ठीक है, बोनट की जो सीलें हैं ये भी गाड़ी की आप लोग देख लें, बोनट की सीलें भी गाड़ी की बिल्कुल ठीक है। इसके ऑनर से इसकी डिटेल्स हम ले लेते हैं। अस्सलाम दोस्त। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा मॉडल है सर ये? ये 2009 की डाई 800 कोरे है। कितने ओनर हैं गाड़ी के? है 4-5 ओनर तो हैं। 4-5 ओनर हैं। अपने इंजन के ऊपर है? अपने इंजन पर है, और ऑटोमेटिक गियर है, ओरिजिनल जेन्युइन ऑटो है। जेन्युइन ऑटो है, फाइल में मेंशन है। एसी ऑन है? एसी वर्किंग में है, और थ्रू आउट पेट्रोल है। जिंदगी में कभी सीएनजी नहीं लगा, जब से पैदा हुई है पेट्रोल पर चल रही है। अच्छा, सीएनजी कभी जिंदगी में लगी नहीं जी। और पूरी जेन्युइन है? पूरी जेन्युइन अल्हम्दुलिल्लाह। टचअप नहीं है इसके अंदर? टचअप नहीं है। इसकी ओरिजिनल नंबर प्लेटें पड़ी हैं जी? घर पड़ी है, फाइल पड़ी है, टैक्स अप टू डेट है। क्या पैसे हैं सर इस गाड़ी के? इसके 12-10 डिमांड है। 12-10 डिमांड है। कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कीजिएगा। 0312-279-8430। क्या नाम है आपका? एहतिशाम मुर्तदा। दोस्तों ये भाई की गाड़ी है, आप में से कोई भाई लेना चाहे आप इंसाफ से रब्ता करके गाड़ी परचेज कर सकते हैं।